परमेश्वर की हजूरी दे विच स्वागत है तुहाडा सारिआं दा। बैठ जाओ अपने शरीर दे विच, आत्मा तुसी मेरे नाल खड़े हो। जोर ना बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल दे विच लिखिया कि कलीसिया नू परमेश्वर ने कुछ प्रेरित, कुछ प्रोफेट्स, कुछ पास्टर्स, कुछ इवेंजलिस्ट दिते ताकि कलीसिया सिद्ध होए, सेवा दा काम किया जाए और मसीह दी दे उन्नति पाए। तुहाडे चर्चां दा मकसद की सिद्ध होना नहीं है, हैगा कि नहीं? कि तुहाडा चर्च आन दा मकसद उन्नति नहीं है। पुराने नियम दे विच लोकी कहंदे पुराना नियम अलग सीगा जी, नवा नियम अलग है। यीशु मसीह ने अपने मुंह तो क्या कहंदा, मैं पुराना नियम लोप करन नहीं आया, उन्हों पूरा करन आया। लिखा कि नवे नियम च क्या नहीं लिखा? यीशु मसीह ने कहा मैं पुराना नियम खत्म करन नहीं आया, पुराना नियम पूरा करन आया। हुण सानू बैलां ते बकरियां दी बलि दी लोड़ नहीं है क्योंकि यीशु मसीह कुर्बान हो चुके हैं। नवे नियम च एक बंदे ने परमेश्वर नूं पूछा, परमेश्वर अनंत जीवन दा अधिकारी होने लई मैं की करां? यीशु मसीह ने कहा जा, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, माता पिता दी आज्ञा मन, झूठी गवाही ना दे। कहिंदा मैं इहनूं मंनदा आया। इसराइली प्रेयर कर रहे परमेश्वर ते, परमेश्वर मैनू छुड़ा, सानू छुड़ा। क्यों? क्योंकि 400 साल तुसी क्या सी, 430 साल हो गए, पर असी उत्थे दे उत्थे ही हां। कंफर्टेबल हो गए लोग अपनी अपनी पोजीशन ते, अपनी अपनी उस गुलामी दे उत्ते। डेवल मुश्किल जज कोने कोने चो जांदा देखोगे अज तुसी। रुको, कोने कोने चो तुहाडे घरानियां दे भी कोने कोने चो अज नशे वाले आजाद होके वापिस जा रहे परमेश्वर के नाम के विच। अज डिलीवरेंस होलसेल के विच अवेलेबल है। हालेलुया। प्रेयर कर रहे हो कि परमेश्वर तुहानू छुड़ा, क्योंकि राजे ने साडे ते अत्याचार करने ज्यादा कर दिते क्योंकि कंफर्टेबल सीगे। हो सवेरे गए राजे की नौकरी की, जबकि परमेश्वर की वो प्लैनिंग नहीं सी। और परमेश्वर ने उस प्लानिंग चो बाहर कढ़न दे लई ज्यादा दुख देने शुरू किए राजे दे विचों, ताकि ये रो के मेरे अगे प्रेयर करन। और बाइबल दे विच लिखिया रो के परमेश्वर के प्रेयर करन लगे। रो के मतलब आंसुओं दे नाल नहीं, अंदरों पश्चाताप दे नाल कि परमेश्वर अब मेरा न्याय कर, अपने वचन नूं पूरा कर, अपनी प्रोफेसी जिहड़ी साडे विषय च होई सी उहनूं पूरा कर। कोई प्रोफेसी पूरी नहीं होएगी जे तुसी उस प्रोफेसी दे नाल प्रेयर नहीं करोगे, या परमेश्वर नाल मेल मिलाप नहीं करोगे, या तौबा नहीं करोगे, या परमेश्वर दे रस्ते दे चलन दे लई तुसी तैयार नहीं होंगे। वो सारियां प्रोफेसी फिर इंटरटेनमेंट है, प्रोफेसी नहीं। जड़ी प्रोफेसी तुहानू उपदेश, शांति और तसली ना दे, परमेश्वर दे नेड़े ना करे, वो प्रोफेसी नहीं। पुराने नियम दे विच भी लोगों नूं खुश करने वाले प्रोफेट सीगे, लेकिन प्रोफेसी उही काम करती है जड़ी तुहानू परमेश्वर दे नेड़े करे, तुहाडे फेथ नूं इनक्रीज करे और तुहानू शांति दे। आमीन। बाइबल दे विच की लिखिया, लिखिया मूसा नूं परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरे लोग प्रेयर कर रहे पर मैं तेनू भेजना चाहना उन्हां लोकां नूं छुड़ान दे लई। मैं तुहानू एक गल पूछना चाहना कि परमेश्वर अपनी आत्मा नूं डायरेक्ट नहीं सी भेज सकदा? बोलो, फिर भेजा क्यों नहीं डायरेक्ट? उन्हें वो डायरेक्ट कभी अपनी आत्मा नूं नहीं भेजता। इस धरती का रूल है शैतान और परमेश्वर। शैतान भी कदी डायरेक्ट काम नहीं कर सकता और परमेश्वर भी कदी डायरेक्ट काम नहीं करता। वो कर सकता है पर वो करता नहीं, क्योंकि यह धरती की रजिस्ट्री तुहाडे नाम के उत्ते है। और जेडे प्लॉट की रजिस्ट्री तुहाडे नाम के उत्ते होवे, परमेश्वर उत्ते अपने आप नहीं जाता जब तक उन्हें इनवाइट ना किया जाए। तुसी किसी नूं अगर 2 मरले का प्लॉट दे दो अपने 20 मरले चो, तो तुसी 2 मरले जाके 10 साल बाद 5 साल बाद ये नहीं कहंदे ओए मेरा प्लॉट कितना है, ठीक ठाक है ना मेरा प्लॉट, तू की कीता मेरे प्लॉट दा? तुसी जानते भी नहीं। अगर तुसी जेनुअन बंदे हो तां तुहानूं पता कि मैं दे चुका। उदां ही परमेश्वर कहंदा मैं धरती इंसान नूं दे चुका, अधिकार दे चुका। जब तक तुसी उहनूं इनवाइट नहीं करोगे अपने किसी मैटर दे विच, उह नहीं आएगा क्योंकि वह जेंटलमैन है। अगर तू ही जेंटलमैन हो, तू ही बिना इनविटेशन दे नहीं जाते, तो वह भी एक जेंटलमैन है जिन्हें तुम बनाया। आमीन। परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं मूसा नु चुनांगा, और बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा नु कहा, मूसा तू जाएगा मेरे लोगों छुड़ा।
प्रेयर कौन कर रहे हैं? लोग। प्रभु किन्ने गल कर रहे हैं? लोग कहते पुराना नियम सी। इफ़सियों चार उदी 11 आयत पढ़ते हैं आप। लिखा उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा अगर कलीसिया उन्नति पाना चाहती है तो मैं की दवांगा कलीसिया नू? प्रेरित, प्रोफेट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर, ते पास्टर जेड़ा वो टीचर भी होएगा। पुराने नियम दे विच भी सेम सीगा। परमेश्वर ने कहा मैं लोकां नू छुड़ावांगा पर मैं अपने एक बंदे नू भेजांगा, अपने एक नबी नू भेजांगा। नवे नियम दे विच बाइबल दसदी है पौलुस जेड़ा सीगा वो परमेश्वर दे द्वारा डायरेक्ट चुनिया गया प्रेरित नहीं सीगा। जब तक परमेश्वर स्वर्ग दे विच नहीं गए तद तक पौलुस चुनिया नहीं सी गया। स्वर्ग जान तो बाद परमेश्वर दे पौलुस ने कलीसिया नू सताना शुरू किया और उथे परमेश्वर ने दर्शन दिता वो अन्ना होया। तनु स्टोरी पता है उस तो बाद वो प्रेरित की सेवकाई दे लई चुनिया गया। रोमियो 16 जिथे वो नमस्कार कर रहा सारे नू पत्री दे विच जैमसी जैमसी लिख रहा उथे भी वो दस रहा कि बरनबास और मैं जेडे प्रेरितां च नामी है। यानी बहुत सारे लोग जेडे प्रेरित सन। बाइबल दस दी लोग कहते हैं कि प्रेरित खत्म हो गए जी और 12 ही सके बस उन्होंने बाद कोई प्रेरित नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ने पास्टर चुने अपनी आत्मा ना काम करता। अगर बाइबल च प्रेरित खत्म सके तो परमेश्वर ने अपने वचन च अपने जी उठन तो बाद स्वर्ग जान तो बाद किन्ने साल बाद इफ़सियों की पत्री लिखी गई उथे परमेश्वर का वचन लिखदा कि मैं कलीसिया नू सिद्ध करन वास्ते कौन दवांगा कलीसिया नू? प्रेरित, प्रोफेट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, पास्टर दे टीचर कट्ठे मैं चार तरह दे लोग कलीसिया नू दवांगा ताकि कलीसिया की होवे पवित्र लोग सिद्ध होन, सेवा दा काम किया जावे और मसीह दी दे जड़ी है उन्नति पाए। हालेलुया। लोग बोलते प्रेरित खत्म हो गए उदो ही 12 सके बस, चमत्कार भी उदो ही सके जी बस। अगर उदो ही सके तो फिर परमेश्वर नू लिखन दी की लोड़ सी कि कलीसिया खत्म हो गई? बोलो कि मसीह दी देह आज हैगी है कि नहीं हैगी? कौन है मसीह दी देह? तुसी मसीह दी देह हो, मैं मसीह दी देह हां। सारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने क्या इस देह दी उन्नति दे लई मैं बंदे अपॉइंट करांगा कि तुसी पवित्र आत्मा नहीं पाया होया? बोलो जब तुम पवित्र आत्मा पाया होया तो परमेश्वर ने क्यों नहीं किया पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाएगा? परमेश्वर ने क्या भावे तुम पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे हो कलीसिया के मैंबर हो पर तुम्हें सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें सर्वेंट ऑफ गॉड देवगा जो तुम वचन की गहराई दसनगे तुम्हारी देह मेरी देह उन्नति पाएगी तुम सिद्ध होंगे। अब्राहम दे विच की कमी सी? परमेश्वर ने कहा 99 ईयर का 99 साल का जो अब्राहम होया परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। मैं तुझे वो चीजें सब देना चाहता हूं जो मैंने तुझे वायदा किया था पर अभी तक मैं तुझे नहीं दे सकता क्योंकि तू सिद्ध नहीं। 99 साल का होके परमेश्वर के पिछे 25 साल तो चल के ते परमेश्वर 25 साल बाद उन्हें बच्चा नहीं दे रहे बल्कि उन्हें गल कर रहे कि अब्राहम मैं तेनों जो देना चाहना उदे लिए तू हले तैयार नहीं है तेनों सिद्ध होना पड़ेगा उदे लिए। अब्राहम कहता ठीक है परमेश्वर आमीन। सानू नहीं पता कि उदे च केड़ी गल सी जिहड़ी सिद्ध नहीं सी होन दिंदी उन्हें। परमेश्वर के इनकाउंटर तो बाद वह सिद्ध होया उन्हें अपनी कमी कढ़ी। कई लोग माफ नहीं करवाते नहीं मैं इन्हू नहीं माफ करना सारे नू कर दूंगा आ वाली दरानी नू नहीं करना आ काम नहीं मैं कर सकता इन्हू नहीं मैं छड़ सकती इन्हू नहीं मैं छड़ सकता। परमेश्वर कहता अब्राहम जेड़े वायदा मैं तेरे नाल कीता मैं भी उन्हें पूरा करने लई तैयार हाँ पर एक एक कड़ी घट है साडे विच एक लिंक घट है एक लिंक मिसिंग है और लिंक है जो तू सिद्ध होएगा तो मैं तेनों वही चीजा देवगा जो मैं तेनों वायदा किया। अपने बच्चे नूं तुसी कार नहीं देंदे अगर वह छोटा है तो चाहे जिन्ना मर्जी रोए चाहे बेहोश हो जाए रो रो के दें। परमेश्वर ने कहा दाऊद नूं मसा किया गया
जो 16-17 टीनेजर सीगा, पर 30 साल का होने तो बाद उन्हें कल्ला एक गोत्र का राजा बनाया गया और 37.5 साल बाद उन्हें इसराइल का राजा बनाया गया। अप्रोक्सीमेट 20 साल उन्हें इंतजार किया कादे लई, क्योंकि कुछ काम दे लई तनु सर्टन लेवल दी अनॉइंटिंग चाहिए। कोई काम कोई मिरेकल्स ऐसा दे तनु एक लेवल दी अनॉइंटिंग अपनी लाइफ दे विच चाहिए, जे तुसी उस कर्स तो या उस गाल तो जिहड़ी शैतान तनु दे रहा कि 20 साल तो हाले भी तुहाडा घरां नाल बचाया नहीं गया, हाले भी एक बंदा नशा करता है, हाले भी एक बंदे च प्रॉब्लम है, हाले भी कोई बंदा मसीह तो दूर है, या हाले भी कोई घर च आप प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता तुसी अपनी अनॉइंटिंग नु इनक्रीज करो, अपने लेवल नु बताओ और सिद्ध होवो। और सिद्ध होने के लिए बाइबल च लिखा नवे नियम दे विच परमेश्वर ने प्रेरित दिते, प्रोफेट्स दिते, पास्टर्स दिते, अलग अलग तुहाडी कॉलिंग के अनुसार परमेश्वर ने कलीसिया नु लोग दिते। परमेश्वर कहना चिन्ह अद्भुत काम पवित्र आत्मा के वरदाना के वंडन के नाल और सामर्थी कम्मा के नाल परमेश्वर अज भी गवाही दिंदा है कि मेरा सुसमाचार सच है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं ये लोग कलीसिया नूं दवांगा ताकि मेरी कलीसिया सिद्ध होए। कादे लई सिद्ध करना चाहता तुहानू? ताकि जड़ी प्लानिंग जड़ी योजना परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च हैगी है वह पूरी हो सके। एक नोकिया कंपनी एक सैमसंग कंपनी डिफॉल्ट एक बुरा मोबाइल लॉन्च नहीं कर, और मोबाइल फिर पैरामीटर से निकलता है, यदि स्क्रीन एदा सॉफ्टवेयर एदा स्पीकर एदा कीपैड एदा टच सब कुछ जे गड़बड़ है कहना फिर दोबारा तो ठीक करो, फिर दोबारा ठीक करके फिर दोबारा तो लेके आओ, फिर चेक करो, क्योंकि सैमसंग कंपनी का सवाल है, एप्पल का सवाल है, नोकिया नेम का सवाल है। और इतने कोई कंपनी नहीं है, इतने परमेश्वर के नाम का सवाल है। वो तो ऐसे ही लॉन्च नहीं कर सकता, तुम्हें चेक करता है फिर तो। परमेश्वर कहता है चेकिंग करन ली और तेरिया सारिया कमियां कढ़न ली मैं बंदे ठहराए है कलीसिया दे विच। ते वो बंदे कादे लई है? हुण मूसा नूं कोई प्रॉब्लम नहीं सी, ना ते मूसा बीमार सी, ना ते मूसा डिलीवरेंस चाहता सी, ना मूसा नूं किसे छुटकारे की लोड़ सी, पर वो परमेश्वर दे नाल संबंध कायम करके बैठा सी, परमेश्वर नाल प्रार्थना करता सी, अपनी फैमिली च खुश सीगा। पर परमेश्वर चाहते सी मूसा मैं तेरी जिंदगी च काम करना चाहना, तेरे द्वारा मैं लोगों नूं छुड़ाना चाहना। और नवे नियम च परमेश्वर कहिंदा उसे तरह जिस तरह पुराने नियम च नबी हुंदे सी, नवे नियम च प्रेरित प्रोफेट्स पास्टर्स इवेंजलिस्ट टीचर्स मैं ठहराए ताकि कलीसिया च किसी भी तरह की कमी ना रहे, वह सिद्ध होन, और सिद्ध होने तो बाद जो काम मैं उन्होंने जिंदगी च करना चाहना वह पूरा कर सकन। अज तो बाद जो काम परमेश्वर ने सोचा तेरी लाइफ च पूरा होए, तुसी अनुग्रह पाओ, ग्रेस पाओ, यीशु मसीह सामर्थी नाम दे विच, अंधकार दीयां शक्तियां शर्मिंदा होन परमेश्वर दे नाम दे विच तेरी जिंदगी दे उच्चों। अगर आमीन उच्चा और लंबा है, ए ब्लेसिंग तुहाडी है चर्च, ए ब्लेसिंग तुहाडी है हीलिंग तुहाडी है। तनु सिद्ध करन लई परमेश्वर हील करदा, डिलीवर भी करदा, वचन भी दिंदा, दुष्ट आत्मावां तो आजाद भी करदा, तनु पवित्रताई च रखन लई तनु प्रेरित भी करदा। हालेलुया। तेरा चर्च आने का पहला मकसद की है? परमेश्वर का प्रेरित प्रोफेट्स पास्टर्स इवेंजलिस्ट टीचर चुनने का पहला मकसद की है? कहिंदा पवित्र लोग सिद्ध हो जान, सेवा का काम किया जाए। पढ़ो 12 आयत, पवित्र लोग सिद्ध हो जान, सेवा का काम किया जाए और मसीह दी दे उन्नति पाए। अब आप पढ़ांगे पहला कुरंथिया 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो जब हम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता यीशु श्रापित है, और ना ही कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। 4 आयत लिखिया, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, सेवा कई प्रकार की है प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए किसी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, एक को ज्ञान की बातें, किसी को आत्मा से विश्वास, किसी को आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है।
आमीन। मैंने एक गल दसो, अगर कलीसिया नू चंग्याई दी लोड़ नहीं है तो पवित्र आत्मा नू चंग्याई दा वरदान दिन दी वे की लोड़ है। कहिंदा आत्मा सब नू वक्रे वक्रे वरदान दिंदा है। आत्मा किदा? परमेश्वर दा। रोक लो क्या उन्हू तेरा घर दो मरले का होवे ते एक भी काना ना होवे घा का, घा कटने लई मशीन लैने तुसी बोलो कर दे ते तुसी घा कटन की मशीन नहीं खरीदे जो घर ही एक मरले का जी तो सारा कोई पत्थर पत्थर है। बाइबल च लिखा कोई वरदान परमेश्वर का फालतू च नहीं है। हर वरदान नू देन दा परमेश्वर का मकसद है। ते जे फिर चंग्याई शैतान वालों है तो फिर वरदान देन दी परमेश्वर नू की लोड़ है आत्मा का? जे सामर्थ्य काम मिरेकुलस काम जिदा यीशु मसीह करते सके अगर वो शैतान वालों है तो आत्मा नू फिर वरदान देन दी की लोड़ है? लिखा एक नू आत्मा दे द्वारा सामर्थ्य काम करने की शक्ति, एक नू भविखवाणी, एक नू हीलिंग, एक नू गैर भाषा, एक नू गैर भाषा का वरदान, एक नू आत्मावादी परख, एक नू बुद्धि दी गल्ला, एक नू ज्ञान दी गल्ला, फिर की लोड़ा आत्मा नू ये सारे काम करने की? ते जे उन्हें कला सुसमाचार सुनाना सीगा ते कला फिर प्रचार का बुद्धि का वरदान देंदे और बस करते। फिर तुसी कहंदे मैं जीवित परमेश्वर का प्रचारक हाँ जी, पर तुहाडे च कुछ भी नजर नहीं आता जिदे नाल यह साबित हो सके परमेश्वर सचमुच इस चर्च के नाल या तुहाडे नाल या मेरे नाल है। उहदे चिन्ह साबित करते हाँ कि ना? फिर इब्रानिया कड्डो 2:3 आयत लिखा तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों अद्भुत कामों नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। सब बोलो आमीन। जो तो परमेश्वर ने मैंने चर्च का नाम दिता से ना द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, ये एवं नहीं दिता। परमेश्वर ने कहा मैं चिन्ह दूंगा और अद्भुत काम दिखाऊंगा जिन्हों देख के लोग फेथ करेंगे कि मैं तेनों भेजा। जब तो एक बार प्रूफ हो जाता चर्च आ गया यीशु मसीह हैगा फिर तेन ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कुछ भी। फिर ज्यादा सोचना ना करप्शन जी लगती है मैनू कि मैं सामने देख रहा काम हो रहे हैं, सामने देख रहा हीलिंग्स हो रही हैं, डिलीवरेंस हो रही है, किन्ने किन्ने बेबीज हो रहे हैं। फिर जो मैं अपने बारे सोची जावा और अपने फेथ को कमजोर कर लवान माड़ी गल लगती माड़ी। फिर ऐसा लगता कि सेल्फिश हाँ बहुत ज्यादा, जीना कि मरना चंगा भी वो करेगा, जब बीमार रखा तावेगी उ मेरा परमेश्वर है, छुड़ावे उ मेरा परमेश्वर है, ना छुड़ावे उ मेरा परमेश्वर है, वधावे उ मेरा परमेश्वर है, जे ना वधावे तारीफ करो जोर से जोर से जोर से आमीन।